हाँ नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट, कक्षा 8 में फिर से आपका स्वागत है। हम 13वां लेसन त्रयोदश पाठ क्षितो राजते स्वर भारत स्वर्ण भूमि। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लें। पीयूष तुल्यम यानी अमृत समान, भात यानी सुशोभित होती है, षष्ठी फसलों से, धरेयम यह पृथ्वी, क्षितो क्षिति पृथ्वी पर, त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वीव्यावस्त्र धेरे, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी व आकाश, पांच मिसाइल अस्त्रों के जो नाम है अपने भारत की प्रमुख, मेदिनी यानि पृथ्वी, पर्वणाम उत्सवानाम यानि पर्वोत्सवों की, निमिज्यति मध्य भाग तक, विपश्चित जनानाम यानि विद्वत जनों की विद्वानों की, यंत्र विद्या धरणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, विषक यानी वैद्य चिकित्सक, प्रबंध युतानाम प्रबंधक समुदाय प्रबंध कार्य में लगे हुए जो हैं, नट नटी अभिनेता अभिनेत्री, केसरी नाम सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधरणाम पर्वतों की, पीका नाम कोयलों की और शिखी नाम बोरों की। तो ये भारत भरण क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि नाम जो है वो है, और हमारी भारत भूमि जो है वो इस धरा पर स्वर्ण भूमि के समान है और सच ही है। एक हमारा ही देश है ऐसा भारत देश, जो कि तीन तरफ से समुद्र उसका जो है वो पद प्रक्षालन करते हैं, तीन तरफ से उसको समुद्र ने घेर रखा है। हमारा ही देश ऐसा है, हमारा भूमंडल ही ऐसा है जिस पर भांति भांति की फसलें होती है, मौसम होते हैं, जो है वो कई तरह के पशु पक्षी है, और प्रकृति ने संपूर्ण रूप से जो है इसे सुशोभित किया है। तो संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भंडारम नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयम स्वर्णवदम भाति षष्ठी धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। ये श्लोक नहीं, ये सब गीत हैं, और इसको स्वस्वर स्वर अपने स्वर में जो लय में जो है इसका वाचन करना है। तो संपूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से सदैव जिसके खाद्य भंडार भरे हुए हैं, नदियों में जल जो है वो पीयूषतुल्य यानी अमृत समान जल से परिपूर्ण है, यह स्वर्णवद भांति शस्यी, और यहाँ पर जो है वो स्वर्ण के समान जो है वो फसलें लहलाती है, इस प्रकार की अपनी यह भारत स्वर्ण भूमि है। त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वीव्यवस्त्र व्यस्त्र अरुणा महाशक्ति भी परिपूतेयम सदा राष्ट्र रक्षाता तानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी इस प्रकार की मिसालें, इस प्रकार के अस्त्रों और अणु रूप अणु महाशक्ति के रूप से परिपूर्ण है, और सदा राष्ट्र की रक्षा में रत सेवकों से परिपूर्ण हमारी धरती है, और यही हमारी जो है वो भारत स्वर्ण भूमि। भारत स्वर्ण भूमि को एक इस तरह से भी देखें कि सारी पृथ्वी पर जो है वो हमारा ही ऐसा देश है, जो जिस पर तीनों सभी प्रकार की ऋतुएं होती है, ठंड गर्मी वर्षा सभी तरह के मौसम होते हैं, सभी तरह का आनंद हम लेते हैं। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूमि देवयोग देवगेया। तो यह वीरों की भोग करने वाली भूमि है, कर्म सेवकों की कर्म भूमि है, और जगत वंदनिया जगत के द्वारा वंदन करने योग्य भूमि है, और यह देव गया है मतलब जिसकी देवता भी वंदना करते हैं, इसे इसलिए देव भूमि भी कहा जाता है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, हमेशा यहाँ पर पर्वों उत्सव जो है वो चलते रहते हैं हमारी भारत भूमि में। हमारा ही एक देश है, उत्सव प्रिय देश, भांति भांति के पूरे साल कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का त्यौहार
चलता है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इम ज्ञानिना च वैज्ञानिकानां विपश्चिरज्ञानानां इयम् संस्कृतम् संस्कृतानां बहुनाम मतानाम जनानाम धर्म क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यह ज्ञानियों की और विज्ञानियों की और विपश्च जनानाम मियम यानी कि विद्वानों की और सुसंस्कृत लोगों की यह भारत भूमि है। बहु मतानाम बहुत से मत वाले लोगों की, मत वाले जनता की, लोगों की यह धरती है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम शिल्पानां यंत्र विद्याधाराणां विषक शास्त्रीणां भू प्रबंधे युतानां, यानी कि यह शिल्पियों की, शिल्पी यानी तरह तरह के आर्टिस्ट कारीगर जो होते हैं उसके बारे में कहा गया है। यंत्र विद्याना इंजीनियरों की, इंजीनियर्स विषक यानी कि डॉक्टर्स वेद उनकी, और भू प्रबंधक में लगे हुए जो है उनकी, नट नटी नाम यानी कि अभिनेता अभिनेत्रियों की, कवियों की, इस प्रकार की संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हमारी यह भारत भूमि है। और इसे हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए, हमें सदैव उसका नमन करना चाहिए। तो इसको सस्वर इसका वाचन करेंगे और पीडीएफ में इसके प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। धन्यवाद।